अभाव, तो कृपया इस मुख्य द्वार पर तुरंत पहुंचे। जिनको ज्ञापन के लिए संकेत किया गया है, रमेश जी शर्मा जा गई भी हो, जल्दी आ गया जाए। रमेश जी शर्मा, किसी को एसपी का राज चलाना नहीं आता तो चले जाना चाहिए यहाँ से, बाहर में से, नहीं तो हम भगाएंगे। पहले वाले कलेक्टर साहब ने अब तो बेवकूफ बनाया, क्यों बनाया? एसपी साहब का तो लेना देना नहीं है। कलेक्टर साहब ने एक बार नहीं, 50 बार मुझे कहा, सभी को कहा, उसके बावजूद भी नगर परिषद का वोट कोर्ट के दो फैसला होने के बावजूद भी नहीं लगा, नहीं लग रहा, लगाने की मानसिकता नहीं है, क्योंकि तुष्टिकरण की नीति पर चलते हैं कलेक्टर एसपी। 4 महीने हो गए, आप छावनी बैठा देते हो, पुलिस बैठे थे, कर्मचारी बैठे थे, पुलिस सभी बैठे, छावनी बैठा दे, रोड नहीं लगा रहे, आ जाएंगे एक दो दिन में, बात क्या सारा छोटा सा निकला था बाहर, उचित नहीं लगता। आपने 50 बार मुझे कहा, मेरे से सीनियर लोगों को कहा कि नगर परिषद का बोर्ड लगेगा, उस पर क्या हुआ उसका? प्याज तो लेनी नहीं चाहिए आपको, पता है? नहीं तो हम चलते लगाएंगे सारे। आपकी एक एक कुर्सी, आपकी एक एक टेबल, आपका एक एक कार फेंकेंगे तभी आप मानोगे? कलेक्टर, एसपी, प्रशासन सब पे गुस्सा था क्या मामला? बाढ़ में के अभी जो कलेक्टर साहब है वो भी पंगू है, इससे पहले जो कलेक्टर रहे हैं, जो अभी पाली में कलेक्टर हैं, वो भी पंगू निकले, पंगू रहने की वजह क्या है? और एसपी साहब तो महा पंगू है, क्या वजह क्या है सर? वजह क्या है सर? पंगू रहने की वजह क्या, क्या काम नहीं करते, क्या हुआ सर? वजह तो बताइए ना, मतलब क्या हुआ पंगू का? मतलब सर, पंगू का आपने बताया नहीं कि कलेक्टर एसपी काम नहीं कर रहे हैं। सर, कलेक्टर एसपी को हटाने के लिए कहा नहीं भी आप काम नहीं कर रहे हैं, अगर तो मुख्यमंत्री को कह के कलेक्टर एसपी को हटाया जाए। उनका काम वो करते नहीं या किस तरीके से परेशानी क्या आ रही है? ये कलेक्टर एसपी पंगू है, आप कह रहे हो पहले भी कलेक्टर पंगू था, आपके जिला अध्यक्ष पिछले 1.5 साल से पहले वाले कलेक्टर और अभी वाले कलेक्टर दोनों हमको झूठा झांसा दे रहे हैं। नगर परिषद की प्रॉपर्टी पर जो नगर परिषद का बोर्ड नहीं लगा सकते, उनको कलेक्टर की कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। एसपी साहब तो महापंगू है, इतने मतलब प्रशासनिक अधिकारी जो फर्स्ट रैंक में आते हैं आईपीएस कैटेगरी में, उसके बावजूद भी वो सही बात को सही नहीं कह सकते, वो गलत लोगों का समर्थन करते हैं। तो सर, राज्य सरकार आपकी, आपने कहा नहीं कि भी बाड़मेर को अगर कलेक्टर एसपी की वजह से परेशानी हो रही तो हटाओ इनको, आप जो जिला अध्यक्ष हो, सत्ता आपकी केंद्र राज्य में। हम हिंदुत्व के पॉइंट से, बाड़मेर की रक्षा के पॉइंट से इन कलेक्टर एसपी को पंगू मानते हैं और ये चीज ऊपर बता दी गई है, राज्य सरकार को बता दी, तो आप सुना ही नहीं है सर? 2-2 साल से कलेक्टर एसपी है यहाँ पे, या ये वजह है कि सत्ता में उनके रिश्तेदारों की भागीदारी है एसपी की, इसलिए आपकी बात सुनी नहीं जा रही है? हमारे पास 163 एमएलए है। नहीं, वजह क्या, तो क्यों तो बात सुनी नहीं? आप कह रहे हो कि आपने बात पहुंचाई ऊपर, तो फिर आप सुनाई क्यों नहीं? सब हो जाएगा।